शानदार और चमकदार नेतृत्व है। यूपी में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और मुंबई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्योगपतियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आज की पूरी मीटिंग कैसी रही, कितने लोग मिले? देखिए, लगभग 300 से ऊपर उद्योगपतियों से, इन्वेस्टर्स से, बैंकर्स और जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो कैप्टन्स हैं, उन सबसे मेरी मुलाकात हुई है। फेस टू फेस उनके साथ मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई है और बहुत अच्छा रोड शो यहाँ पर हुआ है। उत्तर प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं, उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से देश के उद्योगपतियों को और वित्तीय संस्थाओं को जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के बाद ही हम आज उनके साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। 21-22 फरवरी को उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है और पूरे देश से जो सकारात्मक लोगों के रुख देखने को मिले हैं, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश अब पिछड़ा प्रदेश नहीं रहेगा बल्कि उत्तर प्रदेश देश के समृद्ध प्रदेशों में एक होगा। आज मुकेश अंबानी और रतन टाटा भी आए थे, बातचीत हुई आप? हाँ, इसमें मुकेश अंबानी जी भी आए थे, रतन टाटा जी भी आए थे। टाटा ग्रुप से जुड़े भी अन्य अधिकारी भी आए थे, बजाज ग्रुप के जो सभी लोग आए थे, अन्य सभी बहुत सारे सेक्टर से जुड़े हुए लोग आए थे। इन सब से बातचीत हुई है और इन सब का बहुत पॉजिटिव रुख रहा है उत्तर प्रदेश के प्रति और उत्तर प्रदेश में सभी लोग निवेश के इच्छुक हैं। आपकी सरकार का संकल्प पत्र है कि 5 साल में 70 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करेंगे, नौकरियां देंगे, तो इस समिट से काफी उम्मीदें हैं, कितना रोजगार निकलेगा? देखिए, हमारा ये अनुमान है कि जो हमारा गवर्नमेंट की जो नौकरियां हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर में और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी लोगों को स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंडअप के माध्यम से, संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप हम रोजगार उपलब्ध कर नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने में पूरा हमारा जो अभियान होगा उसी की को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यह इन्वेस्टर समिट किया है। और एक सिलसिला जब एक बार चालू हो जाएगा तो आप मान करके चलिए कि 70 लाख नहीं, ये आगे उससे भी आगे जाके आगे बढ़ेगा। सर, आपने बार बार उल्लेख किया कि यूपी में पहले इन्वेस्टर नहीं आते थे, क्राइम होता था, तो आप ये मानते हैं कि अब इधर लॉ एंड ऑर्डर में सुधार, आपने कहा हमने कोशिश की, भरोसा जगाया है, तो ये एक बड़ी समस्या थी, इसकी वजह से उद्योगपति नहीं आते थे? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो देश का उद्योगपति कह रहा है, देश का इन्वेस्टर कह रहा है, वित्तीय संस्थाओं के जो चेयरमैन हैं, जो कैप्टन हैं, वे लोग कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से जो लोग मुंबई में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, सूरत में गए हैं, वे लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं क्योंकि अनुकूल माहौल वहां हुआ है और उस अनुकूलता के कारण ही उन संभावनाओं को तलाशने के लिए वे लोग वापस आ रहे हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए मैं आया हूं। एक सर छोटा सा राजनीतिक सवाल करूंगा कि लोग नोएडा नहीं जाते चीफ मिनिस्टर होके, तो आप इस मिथक को तोड़ रहे हैं, लोगों को डर रहता था कि कुर्सी चली जाती है सीएम की। देखिए, हम कुर्सी में बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हितों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का हित मेरे लिए महत्वपूर्ण है, कोई कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं। तो नोएडा जाने में कोई डर नहीं, संकोच नहीं? कोई संकोच नहीं था। अगर हम जैसे लोग भी किसी पाखंड और अपशकुन से डरेंगे तो फिर बेकार है हम लोगों का सार्वजनिक जीवन में आना। तो ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे तेजी से ले जाना चाहते हैं और उनके प्रयास से यही कहना मुनासिब होगा कि चमक सूरज की नहीं, ये मेरे किरदार की है खबर,
ये आसमां के अखबार की है, और मैं चलूं तो मेरे संकार वहां चले, बात गुरूर की नहीं ऐतबार की है। कैमरन पंकज के साथ वीरेन सिंह, भारत समाचार, मुंबई।